मॉसी का वो स्टोन है और इसके ऊपर ये रेड कलर के टॉर्चेस वगैरह ही बने हुए हैं। तो चलिए गाइस इसको छोड़ते हैं और वाओ हे वाओ वाओ। तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जुबादी पर। मेरा नाम है पम्मी और देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर। यार एकदम मस्त दिख रहा हूँ यार, क्या बात है एकदम। हे कैसे हो? तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले गाइज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और ये लाइक का जो बटन है कब से मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा है उसको तो आज तोड़ ही दो भाई, कसम से लाइक के बटन को जो वो तो आज तोड़ ही दो यार। यूट्यूब भी देख के हैरान रहे कि यार एक वीडियो पर कितने सारे लाइक कैसे आ सकते हैं गाइज। और आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ और ये ऑनेस्टली मेरे साथ हुआ है। जब मैं अपनी ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने माइनक्राफ्ट को ऑन किया तो मैंने माइनक्राफ्ट को ऑन करके ऐसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया क्योंकि मैं अपनी सेटिंग कर रहा था, अपनी ऑडियो सेटिंग कर रहा था, अपनी वीडियो सेटिंग कर रहा था। और गाइज मैंने 5 सेकंड के लिए नोटिस किया कि उस पहाड़ के ऊपर से मुझे कोई देख रहा है। लिटरली कसम से मुझे उस पहाड़ के ऊपर से कोई ना कोई देख रहा था। और आज की वीडियो में मैं अकेला ही हूँ और मेरे कमरे में कोई भी नहीं है और मुझे पता है कि कोई मेरे साथ माइनक्राफ्ट खेल भी नहीं रहा, तो डेफिनेटली गाइज उस पहाड़ के ऊपर से मुझे कोई देख रहा था वहां से। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे लगता वो प्लेयर था लेकिन वो क्रीपर भी हो सकता है, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि पूरे दिन दहाड़े इतने सनी मौसम के अंदर ये क्रीपर कैसे नजर आ सकता है यार। लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कौन था, क्या वो हमारी हेल्प करने के लिए आया है, क्या वो हमारा प्लेयर है, क्या वो क्रीपर था, क्या वो हमें नुकसान पहुँचाएगा, क्या वो हमें हमारी मदद करेगा, तो आई एम नॉट श्योर। लेकिन डेफिनेटली 100% मेरे ख्याल से मैं भी थोड़ा बहुत चकरा रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ कि कौन हो सकता है, क्या मेरी आंखों का धोखा था, आई एम नॉट श्योर। तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये है हमारा प्यारा गांव। क्या मस्त लग रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो गाइस छोटे से माइनक्राफ्ट के डिफॉल्ट गांव को हमने बिल्कुल दुबई में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे, लंबी लंबी बिल्डिंग्स यहाँ, वो एकदम दुबई लग रहा है हमारे माइनक्राफ्ट का ग्राउंड। और गाइस दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत ही खतरनाक लेवल की माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, एकदम बेकार। ए बारूद कैसा है भाई, थोड़ा बहुत खाना खा ले यार, कम ऑन कम विद मी, बारूद आ जा। तो मैं खतरनाक लेवल की माइनक्राफ्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार मैं बहुत बेकार खेलता हूँ, क्योंकि हमारे जो डॉगीज हैं, हमारे पेट्स हैं, इनकी मैं क्राफ्ट तो बिल्कुल करता ही नहीं हूँ। हमें मुझे मेरा फर्ज बनता है कि इनको मैं अपने एडवेंचर्स पर लेके जाऊँ। ए बारूद क्या कर रहे हो? हे ओ माय गॉड, एक और पप्पी, यो हमारी आंखों के सामने नन्हे खरगोश, अभी नन्हे पप्पी कैसे हो? अबे कहाँ जा रहा है भाई, ये खाना खा रहे थोड़ा बहुत। वेलकम टू आवर माइनक्राफ्ट की दुनिया, इसका नाम होगा चीनू। चीनू भाई कम ऑन लेट्स स्टार्ट एन एडवेंचर। तो मैं ये कह रहा था कि गाइस अपने छोटे मोटे जो हमारे पपीज है, हे चीकू कैसे हो भाई, हमारा चीकू बहादुर कुत्ता है यार। तो चीकू, बारूद, चीनू, हे भाई आजा, कौन है ये हमारे कुत्ता ने? हाँ आजा, आई थिंक मशीन गन लग रहा है मेरे को। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि मैं अपने प्यारे डॉगस को अपने माइनक्राफ्ट के एडवेंचर पर लेके ही नहीं जाता, तो मेरा फर्ज बनता है कि इनको भी थोड़ा बहुत दुनिया घुमाए। बैठिए यहाँ पे और सारे घर के अंदर बैठना और बाहर किसी ने नहीं घूमना भाई, बाहर बहुत मौसम खराब है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो बाहर भी किसी ने भी नहीं घूमना। अरे अंदर आ जा चीकू, और ये कौन है बारू, तू भी अंदर आ जा, आई थिंक चीकू ही आ चुका है। तो चलिए गाइस मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ और चीकू को अपने एडवेंचर पर लेके जाता हूँ। चीकू कम ऑन, चीकू ब्रो लेट्स गो। चीकू मेरा फेवरेट डॉगी है, और बारूद भी, और चीनू भी, और मशीन गन भी। ये पता नहीं बंदर ने कैसे कैसे नाम रखे हुए अपने डॉगीज के। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। और वे ओ भाई, अचानक से गाइस काली अंधेरी आ चुकी है माइनक्राफ्ट की दुनिया में, मुझे पता नहीं कहां से आई है और ये कुछ ही देर से ऐसा ही हो रहा है। ओए बारिश भी हो चुकी है, अब मुझे पता है माइनक्राफ्ट के अंदर बारिश वगैरह होती रहती है, लेकिन अचानक से काली अंधेरी, अभी तो दिन दहाड़े यार बिल्कुल दुबई का हम मजा ले रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल मजा आ रहा था मुझे माइनक्राफ्ट के चमकीले सूरज के अंदर, हम बुरा फुल HD लाइट थी यहाँ पे यार, और एकदम से अचानक से बारिश हो चुकी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बारिश होती जाती रहती है और रात भी होने वाली है ब्रो, तो दूर मुझे दिख रही रात होने वाली है कि सुबह होने वाली है, आई एम नॉट टू श्योर यार, कोई मुझे बताएगा कि वहां पे रात हो रही है कि सुबह हो रही है। एक काम करते हैं गाइस, जब थंडर वगैरह या बारिश का मौसम चल रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर, तो बेस्ट तरीका यही है कि वहां पे आप जाके यार प्लीज सो जाइए, आई थिंक सुबह हो रही है, या आई थिंक सुबह का सूरज आने वाला है, लेकिन हम फिर भी कोई ना कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो एकदम से थोड़ी देर के लिए झपकी पा लेते हैं और थोड़ी देर के अंदर गाइस सुबह होने वाली है। ए चीकू तू मेरे ऊपर ही सो जा, आ जा मेरे ऊपर ही सो जा चीकू कहीं के। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में गाइस आपको याद होगा कि हमारी लास्ट वीडियो में कुछ, मतलब आई थिंक द वीडियो बिफोर, हमारे गांव के अंदर रेड पड़ी थी और ये रहे हमारे रेड के दो महान झंडे। हमने, बंदर ने और लोगे ने जान पर खेल के रेड को बचाया, और उस रेड के दौरान गाइस हमारे बहुत सारे बेकसूर गांव लोग जो है मारे गए थे। चीकू कैसा है? और ये बकरियों प्लीज तुम्हारे में हाथ जोड़ता हूँ यार, बाबा मत बचाया करो। अरे क्या यार,
ये आपको तो पता है गाइस, मैं यहाँ पे रहता हूँ और रात को 2 बजे 3 बजे बै मचा के रखा है। पता नहीं कौन सी गॉसिप इनकी खत्म नहीं होती, इतनी गॉसिप तो फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं। क्या ये देखो लिपस्टिक लगा के आई है, लिपस्टिक, ओहो क्या बात है, मैं डर गया। देख ये लाल वाली बहुत शैतान है, ऊपर खड़ी हो गई है, पीली वाली की ऊपर खड़ी हो गई लाल वाली। देख मेरे हाथ में तलवार है, मैंने तलवार लेके अंदर घुसाड़ देना सबको। मैंने तुम्हारे, ओए कैक्टस तुम मानते हो नहीं हो, कौन है ये, कौन था, तू थी। आंखें देख, एक लेफ्ट को देख रही है, एक राइट को देख रही है, सीधे देख लो। ओ तेरी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं यहाँ पे। लाल वाली देख, तू इनकी लीडर है। मैं तेरे को बता रहा हूँ कि भाई बंदे बन जाओ, नहीं बंदे नहीं बनना, बकरियां बन जाओ, ढंग से रह लो, ढंग से रह लो। ये 24 घंटे बैब, मैंने कसम से तलवार मार के आज तो मैंने मटन खा ही लेना बकरियों का। मैं कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, आज तो मैं मटन खा ही लूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आज की वीडियो में गाइस हमने गांव वालों को ट्रेन करना है। मुझे पता लगा कि गांव वालों की ब्रीडिंग भी हो सकती है और इनको मैंने ट्रेन करना है, इनसे मैंने काम लेना है, इनको मैं जॉब्स वगैरह भी दूंगा, इनको मैंने बहुत सी चीज़ें इनसे मैंने करवानी है। लाइब्रेरियन मैंने बनाना है, मैप वाला भैया बनाना है जो हमें मैप देगा, जिसके ऊपर से हम एडवेंचर्स पर जाएंगे। तो हमारा गांव भी नियरली गाइस कंप्लीट होने वाला है। आई थिंक इतना राशन पानी काफ़ी होगा इनको यार सब बहला फुसलाने के ना। तो गांव वालों को यार गाइस आपको पता है बहलाना फुसलाना बाया का खेला यार, उनको बस गाजर दो और वह हाँ हो हाँ ऐसे करके ना आपको चुंगल में फंस जाएंगे। अरे चीकू यार मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, प्लीज़ भाई हमारे कणक के ऊपर पैर मत रखियो। आपको तो पता है कि हमारी कणक बहुत ही नाजुक है और वो फट जाएगी, वो खराब हो जाएगी गाइज। ए चीकू भैया अगर हमारी कणक खराब होगी तो मैं गांव वालों को क्या खिलाऊंगा, वो तो मुझे ही खा जाएंगे, उनका बस चले तो तुझे भी खा जाएंगे भाई, कुत्तों को तो बहुत पहले खाते हैं वो। मजाक कर रहा हूँ। कम ऑन चीकू, अभी मस्ती मारने का टाइम नहीं है। अबे मेरी फसल के ऊपर से क्यों जा रहा है मेरे भाई, अबे इतनी बड़ी जगह है वहां से चला जा, कम ऑन दिस वे दिस वे। तो लीजिए गाइस हमारे पास बहुत खाना पीना तो आ चुका है, आई थिंक इसके लिए इस वीडियो के लिए इनफ होगा और बाकी की खेती बाड़ी हम बाद में करेंगे। कम ऑन चीकू लेट्स गो, बहुत काम है हमारे लिए भाई, बहुत बहुत ज़्यादा काम है। और थोड़े बहुत गाइस मैंने यहाँ पे शुगर केन भी काटने हैं क्योंकि मुझे पेपर बनाना है, क्योंकि आपको तो पता है कि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है माइनक्राफ्ट के अंदर। आपको एन्चेंटमेंट करने के लिए आपको बुक्स वगैरह चाहिए होती हैं, और वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बुक्स वगैरह बनाने की यार, मुझे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास बहुत, अरे गन्ने के खेत हैं ये देखो। तो गाइस मुझे लगा था कि मेरे गाँव में जो है एक खेत काफ़ी होगा, लेकिन जैसे ही मेरे गांव की तादाद बढ़ती गई और हमारे जो है रिसोर्सेज कम होते गए और यहाँ, ओए मैंने दोनों तोड़ दिए, शेट मैं इसको यहाँ पे लगाओ यार, इसको यहाँ पे लगाओ फटाफट से यहाँ पे लगाओ, मुझे वीडियो को आगे ही बढ़ाना है। और पूरी वीडियो में मैंने खेत नहीं तोड़ने, लिटरली पूरी वीडियो में मैंने खेत नहीं तोड़े और मेरी हेल्थ एकदम से कम हो रही है। आपको तो पता है गाइस के गाँव, आपको तो पता है गाइस कि मैं गेम के अंदर फुदकता बहुत हूँ, भागता बहुत हूँ, और हेल्थ मेरी कभी पूरी होती है और 2 सेकंड के बाद एकदम कम हो जाती है। एनीवेज तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत शुगर केन के वो लगी हुई है, मैं उनको तोड़ लेता हूँ फटाफट ताकि हमें पेपर की कमी ना हो। वी नीड पेपर, वी नीड अ लॉट ऑफ पेपर, क्या बात। आई थिंक इतना इनफ होगा इस वीडियो में, कितने 64 आ चुके हैं तो इतना इनफ होगा। और ये जो हमारे सीड्स हैं, आपको पता है कि सीड्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सीड्स वगैरह मैं यहाँ पर रखता हूँ। और थोड़ा बहुत मैं ब्रेड ना लेता हूँ अपने गाँव वालों को भैंसलाने फुसलाने के लिए ना, मुझे ब्रेड भी चाहिए और आलू वगैरह भी चाहिए। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं भाई, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कम ऑन चीकू कहाँ पे गया है, अगर चीकू वगैरह कोई जॉम्बी वगैरह आए ना तो लपेट लियो उसको, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल से, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस फुल ऑन लपेट लियो, दबोच लियो उसको, बच के जाने ना पाए। वैसे जॉम्बीज का मांस गाइस मैंने खा कर देखा, बहुत टेस्टी होता है, लिखा होता है रोटन मीट, लेकिन होता है कसम से गाइस मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ेदार है, आप ट्राई मत करना प्लीज़, ये मेरे बस की बात है, आप ट्राई मत करना। तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं थोड़ी बहुत चेंजेस दिखाता हूँ जो मैंने किए। और ये चेंजेस ही आता है, मेरा फ्रेंडली क्रीपर कहाँ पे है, हे मेरे फ्रेंडली क्रीपर कैसे हो, हे ओ व्हाट, ये लाल वाली बकरी बाहर कैसे आ गई, मैंने कसम से बकरी बहन मैंने मार दी तलवार, फिर मत कहियो, अच्छा खाने आई है। तो दूसरी बात गाइस ये है कि लास्ट वीडियो की एंड में हमने एक क्रीपर को वो किया था, अपने कंट्रोल में लिया था, अपने कंट्रोल में क्या ले रहा है यार, वो फट ही नहीं रहा था, उसने फटने की बहुत कोशिश की, बंदर ने उसको TNT भी दिया, पागल बंदर उसको TNT दे रहा है, क्रीपर को TNT दे रहा है। आई थिंक मेरी आंखों का धोखा हो रहा है गाइस, मुझे मेरी आंखें आज धोखा दे रही है, मुझे बार बार लग रहा है कि मुझे कोई वहां से देख रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। बाद में जाते हैं पहाड़ी के ऊपर देखते हैं क्या, अभी तो बहुत वीडियो बाकी है, अभी तो बहुत मस्ती करनी है इस वीडियो के अंदर। और दूसरी बार मेरा क्रीपर कहाँ गया भाई, मेरा क्रीपर ही भाग गया। तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं, सबसे पहले मैं अपनी पिकैक्स ले लेता हूँ और थोड़े बहुत काम मुझे इस वीडियो के अंदर करने हैं, और मुझे गांव वालों को जॉब्स वगैरह भी देनी है, और मुझे रात को जाके गाइस मुझे रात को लिटरली हम अपने सारे डॉग्स को भी लेके जाएंगे रात को मुझे। अरे मेरे डायमंड पिकैक्स, क्या बात है, मेरे पास डायमंड पिकैक्स है, मुझे पता है भी नहीं है, व्हाट द हेल, मेरे पास डायमंड पिकैक्स है, मेरे को पता ही नहीं है। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि रात को हम जंगल के अंदर जाएंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे, क्योंकि मुझे सड़ा हुआ मांस चाहिए।
मुझे सड़ा हुआ मांस चाहिए अपने डॉगीज के लिए, और डायमंड पिकैक्स के साथ अपने ये हथौड़े, अपने ये ईंटें तोड़ना तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। तो गाइस इसके बाद मैं थोड़ा आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि हमने कौन से चेंजेस किए हैं अपने माइनक्राफ्ट की दुनिया में। तो हमारे एडवेंचर्स कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे, हम सी में जाएंगे, बहुत सारे काम ऐसे करने हैं। सबसे पहले गाइस मैंने सोचा है कि गांव वालों को अपने काबू में लाने के लिए, इनके लिए गाइस मैंने एक प्रार्थना करने की जगह भी बनाकर रखी है। तो ये है हमारा प्रेयर रूम जहाँ पे हम गांव वाले जाके प्रार्थना वगैरह करेंगे। वैसे है बड़े मनुष्य लोग, कभी यार ये कभी प्रार्थना करने के इनको पता ही नहीं कि कैसे करनी है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि इनको प्रार्थना करने के लिए एक जगह दें। तो ये रहा हमारा एक माइनक्राफ्ट का टेम्पल। वो यार क्या हो गया भाई, ये कोई अंदरूनी दुश्मनी है, है? कोई आपको लगता है कि मैं यहाँ लोहे का सूट पहन के आया हूँ? मैं वैसे हेलमेट पहन लेता हूँ, मेरे पास है तो सही। नहीं क्या लगता क्या है कि मैं यहाँ पे लोहे का सूट पहन के आया हूँ भाई? मेरे अंदर तो अक्कल है नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अक्कल है ना भाई। मुझे बख्श दो भाई, मुझे ये बकरी को काट, ये बकरी बहुत टशन मार रही थी, मुखिया अंदर बहुत लीडरशिप दिखा रही थी। अगली बार जब इलेक्शन आएंगे ना तो कसम से मैंने तेरे को वोट नहीं देना, फिर बन लियो मुखिया, फिर बनियो बकरियों का मुखिया। एनीवेज गाइस ये रहा हमारा टेंपल, मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि कैसे लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक नेदर रखा हुआ और नेदर रख के ऊपर, आपको पता है गाइस अगर आप नेदर रख के ऊपर अगर आप आग जलाते हो तो वो आग बुझती नहीं है। तो ये एक और माला है प्रेयर करने के लिए। तो यहाँ पे ये तो आपको मैं दिखाने ही भूल गया। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक रेन गॉड बना के रखा है। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है कि ये काली अंधेरे यहीं से आ रही हैं, कोई मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ मनुष्यत है यहाँ पे। तो लीजिए गाइस मैंने एक बहुत बड़ी मूर्ति भी बना के रखी है, पता नहीं ये पुराने ज़माने में मुझे इंस्पायर होकर मैंने यहाँ पे ये बना के रखी है, पता नहीं इससे क्या होता है, आर ओ नो, कुछ ना कुछ पावर तो मुझे लग रहा है इस मूर्ति के अंदर है। और दूसरी बात गाइस आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने कैसल बना रहे थे, तो लीजिए गाइस हमारा कैसल एकदम से कंप्लीट हो चुका है। हमने सारा जो गन्या पड़ा हुआ था वो सारा के सारा हमने कंप्लीट कर दिया। और लीजिए गाइस हमारा, अबे मर जाएगा मेरे भाई, नीचे आ जा, मर जाएगा ये बकरी पागल है, इसकी बातें मत। ओ माय गॉड, ओ मर जाएगा मेरे भाई, ओ गांव, ये गांव छोड़ के जा रहा है, क्या कर रहा है ये? ओ भाई अगर गांव के अंदर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। अबे गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, कपड़े तो लेके चला जा, अबे उधर कुछ भी नहीं है, जंगल है, उधर मर जाएगा। वापिस आ जा, हाँ गुड बॉय, वापिस आ जा, आई थिंक वो वापिस आ रहा। ओके तो ये रहा हमारा एक बहुत ही शानदार किला। तो गाइस आपको मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस मैंने आपको बताया था कि मुझे ये बहुत पसंद है, डेकोरेशन के तौर पर ये बहुत अच्छे लगते हैं यार। अब अगर आप यह घर बना रहे हो तो डेकोरेशन के तौर पर आप इसे ज़रूर यूज़ करना। ये है बनानी बहुत ईजी है, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज आपको नहीं चाहिए ये चीज़ बनाने में, लेकिन जब बन जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गाइस मैंने ग्लास लगाना है, मेरे पास तो रिसोर्सेज है नहीं ग्लास बनाने के, तो मैंने छोड़ दिया। और ऊपर एक और माला भी है यहाँ पर गाइस, हम बैठ के अपने गाँव का भरपूर तरीके से आनंद भी ले सकते हैं। हमारा दुबई, हम इसको गाँव नहीं बोलेंगे गाइस, आज से हम इसको बोलेंगे दुबई। और ये है डिट्रॉइट स्टोन, बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा, यहाँ वहाँ पड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। और ये रहा हमारा सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर से देखे तो हमारा दुबई एकदम मस्त लग रहा है यार, क्या बात है यार एकदम। अरे मैं तो यहाँ से नेदर पोर्टल भी देख सकता हूँ, मस्त एकदम बढ़िया। तो चलिए गाइस ये होगा हमारा फर्नेस, यहाँ पे हम रखेंगे ब्लास्ट फर्नेस और गांव वालों को जॉब देंगे आर्मरर की। आपको तो पता है कि ये ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए आपको सिंपल सा एक आर्मर रखना पड़ता है, और उस आर्मर की वजह से यार मेरे पास थोड़ा बहुत ये मामला पानी बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस के लिए एक छोटे सा एक मतलब कि एक डिज़ाइन सा बनाता हूँ। आपको तो पता है गाइस कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर मैं एकदम मास्टर बन चुका हूँ डिज़ाइन, मैंने कम्स टू डिज़ाइन आई थिंक आई एम बेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका हूँ थोड़े ही टाइम में गाइज, मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर डिज़ाइन की दुनिया में बहुत, अरे ये देखो और कर लो तरक्की। तो गाइज एनीवेज मैं ये कह रहा था कि थोड़े से टाइम में मैंने माइनक्राफ्ट की डिज़ाइन की दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं छोटे छोटे डिज़ाइन बनाता हूँ ना, तो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी देखो कैसे सिंपल सा डिज़ाइन मैं बनाऊँगा, आप भी बोलोगे यार क्या मस्त बना के रखा है, इसको थोड़ा बहुत उल्टी खोपड़ी लगा देते हैं इसको, और मुझे स्लैब्स चाहिए। अरे क्या बात है ये गाइस, ओए रेडस्टोन कीमती चीज़ मैं फेंक रहा हूँ भाई, एकदम कीमती चीज़ है, यहाँ पर भी लगा देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं एक कुर्सी ये स्टेयर्स यहाँ पर लगाऊंगा तो एकदम मस्त लगेगा। तो लीजिए गाइस हमारा छोटा, ओह नो मैं आजा जेब में आजा क्या बात है। तो यहाँ पर अंदर मैं रखूँगा ब्लास्ट फर्नेस, और ये रहा एक और घर, ये होगा हमारे लाइब्रेरियन का घर। यहाँ पर अंदर जाके लाइब्रेरियन वगैरह मतलब कि यहाँ पे हमारे लिए नक्शे वगैरह बनाएंगे। मेरे पास एक बुक है तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और ये रहा अंदर, ये थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, और इनके लिए भी ऊपर जाने का रास्ता मैंने बना कर रखा हुआ, ताकि ऊपर से अगर इंस्पिरेशन आपको लेनी हो
तो यहाँ से ले सकते हैं। अरे बाप रे, एक बार फिर से रात होने वाली है माइनक्राफ्ट की दुनिया में। आपको तो पता है कि माइनक्राफ्ट की दुनिया में रात को मंडराना एकदम खतरनाक है ब्रो, रियली वेरी डेंजरस। अरे भाग जा मेरे भाई, अगर मेरी फसल तोड़ने की कोशिश की ना भाई, एक तो तुम्हें खाना दो और ऊपर से फसलें तोड़ते रह गई। अबे वो बच गया भाई, अगर मेरी फसल तोड़ने की कोशिश की ना, कसम से मैं तेरे को यहीं पे जिंदा काटता ना। मैंने, तू जानता नहीं मैं बहुत डेंजरस बंदा हूँ, निकल यहाँ से। ओह और बेड देखा नहीं, लंबा पै गए यहीं पे। इनको बस सुलवा लो, जितना मर्जी सुलवाना है आपको, जितना मर्जी गाइस आपने इनको सुलवाना है इनसे सुलवा लो, ये इनको कुछ और आता नहीं है, बस इनको सोने दो। हमें सोने दो भाई, हमें सोने दो, हम मासूम लोग हैं, हमें सिर्फ सोने से मतलब है। पागल कहीं के 24 घंटे सोते ही रहते हैं। तो गाइस ये है हमारा आर्मरर का घर, और ये रहा हमारे लाइब्रेरियन का घर, और यहाँ पे दो घर गाइस मैंने और बना के रखे हैं। और ये तो आपको पता है हमारी छोटी सी बुक शॉप, यहाँ पर भी मैं एक लाइब्रेरियन को जगह दूंगा क्योंकि वो अपनी बुक्स वगैरह यहाँ पे बेचेगा। और ये रहा हमारा एक और आलीशान घर, एकदम मस्त, क्या बात है गाइस, इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा यार, बहुत टाइम। तो ये है हमारा आलीशान घर, इसके अंदर गाइस मैं सब कुछ रखूंगा, लाइब्रेरियन, वेपन स्मिथ, जो बंदूकें वगैरह बनाते हैं, जो मछियाँ मछुआरे लोग हैं, सारे यहीं पे रहेंगे। सब के अंदर मैंने अंदर बेल्ट डाल देना। फिलहाल तो अंदर ये घर खाली है, तो आप यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो। फिलहाल ये घर खाली है, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन वगैरह, मछियाँ वगैरह, फिशरमैन वगैरह सारे यहाँ पे रखूंगा मैं। और ऊपर भी है, ऊपर भी कमरे मैंने बना कर रखे हैं, ये देखो क्या मस्त लग रहा है, एकदम मॉडर्न डिज़ाइन इसके ऊपर मैंने लगा कर रखा है। आप यकीन नहीं मानोगे कि आप छत पर भी जा सकते हो, क्या बात है, एकदम बढ़िया। और आप यकीन नहीं मारोगे कि आप और ऊपर भी जा सकते हो यार। अगर आपको गाइस हमारी कलाकारी, हमारी डिज़ाइनिंग पसंद आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लेजर्स, आप टेंशन मत करो भाई, आपके ऊपर भी मैं हमला करने वाला हूँ, और कसम से ऐसे, तू कहाँ जा रहा, मर जाएगा मेरे भाई। अबे कुछ भी नहीं है ऊपर, अच्छा ऊपर वाला कमरा तू ले लियो। मेरे पीछे आ रहा है क्या, क्या है क्या तेरे पास? एक तो तुम्हारी यार ये बहुत नंगा कर चुका है यार, कसम से मैंने एक दिन मैं अमेजोन प्राइम बाय कर लूँगा। सोच रहा है मेरी बात को, मेरी आंखों में देख, मैंने अमेजोन प्राइम बाय कर लेना, फिर बैठा रही हो, फिर लगाता रही हो ऑफरें, डिलीवरी भी फ्री और नेक्स्ट डे डिलीवरी। अपनी प्राइसें देखी हैं 30, व्हाट द हेल यार, ये लूट रहे हैं यार। गाइस मुझे पता था, मुझे पता नहीं था कि आप रेड करने के बाद अगर आप इनसे बाइंग वगैरह करोगे तो आपको बहुत सस्ते में मिलेगा, लेकिन वो मौका मैंने छोड़ दिया, मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे। तो लीजिए गाइस, हमारा स्टेक भी एकदम रेडी है, न्याम न्याम न्याम, मज़ा आ रहा है मेरे को खा के यार, एकदम खतरनाक लेवल की फीलिंग आ रही है। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट अपने लिए एक ब्लास्ट फर्नेस बना देता हूँ। मुझे अपनी रेसिपीज भी याद नहीं कि कैसे बनता था। अच्छा, मुझे चाहिए स्मूथ स्टोन और आयरन इंगट्स। आयरन इंगट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और स्मूथ स्टोन मैं कहाँ से लेके आऊँ यार, मेरे पास कॉबल स्टोन वगैरह तो है नहीं यार। अरे ये कॉबल स्टोन था, ये क्या है यार, ये एक तो यार ग्रेवल ग्रूवल, ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ग्रेवल कहाँ पे जाता है, इसके अंदर कॉबल स्टोन होगा प्लीज़। यस 21 कॉबल स्टोन, इसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से रखता हूँ और ब्लास्ट फर्नेस लिख देता हूँ। और भाई मेरे, एक तो दे दो मेरे को, मेरे पास सारा मामला पानी तो था, आई थिंक मेरे पास सारा मामला पानी था। तो मुझे 3 स्मूथ स्टोन बनाने गाइस, स्मूथ स्टोन बनाने बहुत ज़्यादा ईजी है। नॉर्मल फर्नेस में अगर आप कॉबल स्टोन डालोगे तो आपको एक स्मूथ स्टोन मिल जाएगा, मिलेगा ना, दे मत दे दियो। अरे मुझे स्मूथ स्टोन चाहिए भाई, ओ माई गॉड, कम ऑन ब्लास्ट फर्नेस, कहाँ पे है ये स्मूथ स्टोन ही चाहिए ना। ओ माई गॉड, अब मैं स्मूथ स्टोन कैसे करूँ, तो इसमें बाबला पानी तो मेरे पास बहुत कम है। आई थिंक मुझे यहाँ पे शायद होना चाहिए मेरे पास स्मूथ स्टोन, कॉबल स्टोन, गोल्ड, ब्लास्ट फर्नेस, कम ऑन यार, एक तो होगा मेरे पास स्मूथ स्टोन, ब्लास्ट फर्नेस, कुछ तो मामला पानी मेरे पास बहुत कम ज़्यादा हो रहा है यार, एक तो एक ही फर्नेस है। तभी गाइस मैंने वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह मैंने बना के रखी हैं, ताकि हम अपना सारा जो है फैक्ट्री काम काज, हमने सारा अपना कैसल में हम करेंगे, पूरा फैक्ट्री वाला काम काज जो है हमने लिटरली वो कैसल के अंदर ख़त्म करना है। तो गाइस मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, तब तक हमारा ये स्मूथ स्टोन वगैरह भी रेडी हो जाएगा। स्मूथ स्टोन गाइस बनाना बहुत ही ईजी है, आपने फटाफट से ये कॉबल्स, ये जो स्टोन है इसको यहाँ पे रख के पुर करके एक और तो ब्रिक बन गई। स्मूथ स्टोन कैसे बनता है भाई, मुझे पता भी नहीं है स्मूथ स्टोन कैसे बनता है। मैं तो गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर इतनी सारी रेसिपीज है, मैं तो एकदम भूल जाता हूँ कि स्मूथ स्टोन बनता कैसे है भाई। हाउ डू यू मेक अ स्मूथ स्टोन, कम ऑन, ओ भाई स्मूथ स्टोन कैसे बनता है, कोई बताएगा मेरे को? आई थिंक आपको इसको फिर से डालना पड़ता है फर्नेस के अंदर। ओ माई गॉड, डबल धमाका, इसे कहते हैं हॉलीवुड की फिल्म, एक बार देखने से गुजारा नहीं होता, इसको दो बारी करना पड़ता है, डबल दो बारी चारकोल मेरा
हाँ अब बनाना स्मूथ स्टोन, नाइस ब्रो, नाइस, एकदम बढ़िया। तो मुझे कितने चाहिए इसको बनाने के लिए यार, स्मूथ स्टोन को? आई थिंक मुझे चाहिए थे, नहीं स्मूथ स्टोन कह रहा हूँ, ब्लास्ट फर्नेस को कितने चाहिए? मेरे को 3 स्मूथ स्टोन चाहिए, एक फर्नेस और एक आयरन इंगट, नहीं एक नहीं 3-4 आयरन इंगट। अभी मैंने इसी वक्त मैंने अभी ब्लास्ट फर्नेस देखा था मेरे पास, नहीं ब्लास्ट फर्नेस नहीं, मैंने अभी नॉर्मल फर्नेस देखा मेरे पास तो ऑलरेडी है। लीजिए गाइस, आई थिंक इतना काफ़ी होगा। कम ऑन देन, आपकी बात है, मेरे को ब्लास्ट फर्नेस चाहिए। मैंने स्पेशली जगह बना कर रखी है ब्लास्ट फर्नेस के लिए, लेकिन कुछ बन ही नहीं रही, बात ही नहीं बन रही। लीजिए गाइस, हमारा ब्लास्ट फर्नेस एकदम से रेडी हो चुका है। कम ऑन गाइस, कम ऑन देन चिकू, मैं आज तेरे साथ ही खेल रहा हूँ, कम ऑन आ जा। और मैं तेरे को बताता हूँ, तू टेंशन मत कर, मैं तलवार लेके आ रहा हूँ कसम से, वीडियो के बाद तेरे अंदर मैंने घुसेड़ देनी है। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर, कम ऑन देन, ये लीजिए। क्या बात है यार, यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत खाली खाली लग रहा है। एक काम करता हूँ गाइस, मेरे पास एक छोटा सा डिज़ाइन आइडिया मेरे पास आया, इसको मैं तोड़ के ना, इसको भी तोड़ के इनको लगाता हूँ मैं ऊपर। गाइस माइनक्राफ्ट की प्रॉब्लम ये है कि ये डिज़ाइनिंग वर्क कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम दिख ही जाएगी, जैसे कि ये। हाँ ओ माई गॉड, अब तो एकदम मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे होगा हमारे आर्मर का घर, जिससे हम आयरन वगैरह ले सकते हैं, घंटियाँ वगैरह ले सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बेच सकता है। इंचांटमेंट चीज़ें उनके पास होती हैं कि नहीं होती मुझे पता नहीं है। तो चलिए गाइस, अभी हम बनाते हैं लाइब्रेरियन की जगह, तो उसके को क्या चाहिए? आई थिंक उसके लिए एक बेड भी रखते थे, यहाँ पे पड़ा रहेगा, और यहाँ पे उसके लिए वो लैक्टर्न लग देते हैं। तो कम ऑन देन क्विकली, लेट्स गो, लेट्स गो। मेरे पास वूल्स कितनी है? मेरे पास तो वूल्स मेरे पास है नहीं। काम कर आ रहा हूँ मैं तुम्हारी खबर लेने, अब तुम्हारी ही बारी है, क्योंकि मुझे वूल चाहिए बेड बनाने के लिए। अगर मेरे पास वूल नहीं हुई ना, ओ वाइट वूल है, शुक्र है बच गए तुम लोग नहीं तो कसम से मैं आने वाला था। तो एक बेड दे देते हैं हराम खोर को, यार पड़ा रहेगा यहीं पर यार। कम ऑन देन, कहाँ पे है यार बेड तो मेरे पास है ही नहीं। मुझे प्लैंक्स वगैरह चाहिए बेड बनाने के लिए, इतने काफ़ी होंगे, और लैक्टन बनाने के लिए मुझे प्लैंक्स वगैरह चाहिए। तो इसके लिए चाहिए मुझे एक, अरे भाई बेड, मेरे को 3 वूल्स चाहिए। ओ माय गॉड, मेरे पास तो वूल ही नहीं है, क्या हो क्या गया मेरे को माइनक्राफ्ट में यार। मैं तो कितना बड़ा प्रो था, मैं कितना बड़ा लल्लू हो चुका हूँ। ओके ओके, निकालो शियर, अबे हट जा यार, ये मैंने कहाँ पे रख दिया डॉगी, इसे तुम्हारी गलती है सारी। शियर कहाँ पे है मेरे पास, मेरा प्यारा शियर कहाँ पे? तो इतना सारा गन मेरे पास है माइनक्राफ्ट की दुनिया में, और ये पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे मैं रख देता हूँ, मुझे खुद याद नहीं रहता। अब मेरे पास शियर है, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि शियर मेरे सामने ही होगा, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वेयर इज माई शियर यार? माइनक्राफ्ट के अंदर एक सर्च करने की सुविधा भी आपको देनी चाहिए यार, क्योंकि यार इतनी सारी चीज़ें होती है, पता नहीं लगता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। आई डोंट नो, मेरे पास शियर था, व्हाट द हेल। चलो कोई बात नहीं यार, मैं फटाफट से अपने लिए शियर बनाता हूँ, क्योंकि शियर तो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यार, भेड़ बकरियों को मारने में बहुत काम आएगा। कम ऑन देन, आ जा। कौन थी लाल वाली? आ जरा मुझे अपनी जरा थोड़ी बहुत ये नरम नरम ऊन देना, ऊन मेरे को चाहिए। आ जाओ आ जाओ, कम ऑन, कौन देगा मेरे को? क्या बात है, लाल वाली तू भी दे। ओह ओह तेरी, नाइस 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 नाइस। और मुझे गाइस इनको बाहर ले जाना पड़ेगा चराने के लिए, क्योंकि इनकी ये फिर से तब तक नहीं निकलेगी उन जब तक ये घास नहीं खाती। तो मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ से ग्रास ब्लॉक तोड़ के यहाँ पे ले आता हूँ, और उनके ऊपर मारता हूँ बोन मेल, तो उसके ऊपर घास भी उग जाएगी। एनीवेज, ये बात के काम है। तो मैं फटाफट से अपने लिए एक बेड बनाता हूँ अपने लाइब्रेरियन के लिए। कम ऑन, व्हाट द हेल, मुझे एक छोटा सा वाइट बेड बनाना यार। एक तो यार ये माइनक्राफ्ट के अंदर ये जो बुक्स वगैरह आपको दी गई हैं, इनके ऊपर कभी, मतलब ये रेसिपी, इनके ऊपर कभी विश्वास मत करना। ये देखो, व्हाट द हेल, कितने चाहिए मुझे बेड बनाने के लिए यार? ये प्रधानमंत्री का बेड बना रहा हूँ यहाँ पे क्या मैं? और मुझे एक और चीज़ बनानी है जिसका नाम है लैक्टर्न, उसको लिखते कैसे हैं यार? कम ऑन लैक्टर्न, इसके लिए क्या चाहिए मेरे को? बुक शेल्फ, स्लैब स्लैब और एक बुक शेल्फ। आई थिंक मेरे पास टोटली सब कुछ तो है मेरे पास, तो इनको मैं फटाफट से स्लैब में कन्वर्ट कर देता हूँ। मुझे 3 स्लैब चाहिए था, मैं 6 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है यार। और एक बुक शेल्फ मेरे को चाहिए, बुक शेल्फ कहाँ पे? मैंने अभी देख ली बुक शेल्फ, कम ऑन गिव मी 1 बुक शेल्फ, एक बुक शेल्फ मेरे को चाहिए, एक भाई एक। ओ भाई यार, ये एकदम पूरी गेम ही जो है हमारे खिलाफ हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास पेपर तो बहुत ज़्यादा है कहाँ पे क्या पेपर, 30 पेपर्स है। ओ माय गॉड, कितना सारा मामला पानी है मेरे पास यार, बहुत ज़्यादा मामला है मेरे पास तो भाई, तो कसम से बहुत ज़्यादा, टू मच। मुझे आई थिंक 3 वो चाहिए होंगे। ओ माय गॉड, व्हाट द हेल, लेदर कहाँ पे है यार? तो गाइस, मुझे बुक बनाने के लिए मुझे 3 बुक्स चाहिए, ताकि मैं उन 3 बुक्स को एक बुक शेल्फ में कन्वर्ट कर सकूँ। और 1 2 3, कम ऑन मैन, 3 बुक्स चाहिए मेरे को भाई। तो 3 बुक्स मेरी जेब में आ चुकी हैं, इसको मैं निकाल के, अरे बाप रे, कितना सारा माल है यार, देखो यहाँ पे घुसो अंदर, मैं सारा लिटरली पूरी इन्वेंटरी अपनी जेब के अंदर घुमा रहा हूँ यार। ये पागलों की तरह मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, ऐसे खेलनी भी नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे माइनक्राफ्ट बेहुदा लोगों की तरह। ओके, अब मुझे बनानी है एक बुक शेल्फ, बुक शेल्फ कहाँ पे? बुक, अरे बुक शेल्फ बनानी है, ऊपर मुझे चाहिए प्लैंक्स होनी चाहिए, बुक्स
कसम से गाइस इतनी सारी रेसिपीज हैं कि भूल जाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, कुछ याद ही नहीं रहता भाई। ये हमारी बुक शेल्फ रेडी है और अभी चाहिए स्लैब्स। स्लैब्स बनाने के लिए मुझे चाहिए एक प्लैंक्स वगैरह, इसको यहाँ स्लैब्स मैंने ऑलरेडी बना कर रख दिया ना, अभी बन जाएगा लैक्टन हमारा। कम ऑन प्लीज, ओ माई गॉड, अरे मेरे पास स्लैब्स तो है ना ऑलरेडी। क्या यार ये, क्या यार ये एकदम से यार माइनक्राफ्ट हमारे खिलाफ हो चुकी है। ये लो आ जा, अब मर ले अंदर, ठूस ले, ठूस अंदर। तेरी डायमंड सॉल मैंने फेंक दी, दिन ही बुरा खराब हो चुका है। तो चलिए गाइज हम अपने लाइब्रेरियन का घर भी थोड़ा बहुत सेट कर देते हैं और मैं इसके बाद गाइज मुझे अपने वेपन स्मिथ के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें बना के रखनी है। तो लीजिए गाइज लाइब्रेरियन के घर में हम आ चुके हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं और इसके लिए एक बेड भी थोड़ा बहुत यहाँ पर रखते हैं ताकि पड़ा रहेगा। ऑलरेडी इसके पास बेड पड़ा है लेकिन आपको पता है लाइब्रेरियन जो है बोरिंग किस्म के बंदे होते हैं यार, वो सारा दिन पड़े ही होते हैं। तो लाइब्रेरियन एकदम सेट हो चुका है, उसकी बाहर भी मैंने बुक्स वहाँ पर रखी हुई है, क्या बात है। और हमारे शुगर केन की सीड्स एकदम ऊंचाइयाँ छू रहे हैं हमारी, तो क्या बात है, ऊंचाइयाँ छू रही हैं। और गाइज अभी मुझे तीसरी चीज़ बनानी है, आपको मैंने चीज़ दिखाना भूल गया, अपने मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा हूँ, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं चीज़ दिखाना भूल गया। और वो ये है कि ये होगा हम उठ, ओ भाई मेरे उठ जा, ओ क्या हो गया तेरे को, उठ जा भाई मेरे, काम कौन करेगा। तो ये है हमारे वेपन स्मिथ का घर, तो ये देखे कितना मस्त लग रहा है यार। तो उसके लिए थोड़ी बहुत मैंने स्टोरेज ही बनाकर रखी, उसको स्टोरेज तो चाहिए नहीं लेकिन सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए बने, उसके लिए ऊपर थोड़ी बहुत जगह बनाकर रखी है ताकि वो ऊपर जाके चिल भी कर सकता है, ऊपर जाके मस्ती मार सकता है, कुछ भी कर सकता है यार, वो फ्री है यार, एकदम फ्री है। चलिए गाइस मैं यहाँ पे उसके लिए मुझे यहाँ पे एक कॉल्ड्रन रखना पड़ेगा और दो वेपन स्मिथ की जो चीज़ें होती हैं मुझे वहाँ पे रखना पड़ेगा, मुझे उसको पता नहीं कहते क्या है लेकिन उसका नतीजा मैं बाहर में निकालूंगा। फिलहाल मैं थोड़ी बहुत झपकी मार के आता हूँ यार, बहुत रात ही हो चुकी है और आपको तो पता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर रात के अंदर खेलना बहुत रिस्की है भाई, बहुत रिस्की, रिस्की रिस्की भाई, बहुत रिस्की है, रिस्की नहीं है रिस्की है। एनीवेज तो रात हो चुकी है, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग माय गांव वालों, ऐसे हो कैसे हो। चलिए गाइस हम अपने टूल स्मिथिंग टूल को बनाने की प्रतिक्रिया जो है शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए प्लैंक्स, प्लैंक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, और दो इंगट्स। ओके तो इसका अगर मैं लिखता हूँ स्मिथिंग टेबल, मुझे आई थिंक दो लेने पड़ेंगे यार क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ होती है यार, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। और मेरा आयरन भी ख़त्म हो रहा है यार, मैंने सोचा था कि आई थिंक मेरे पास और आयरन है, मेरे पास अभी आयरन के ब्लॉक्स थे, कहाँ पर चले गए, मेरे पास आयरन इंगट्स तो है नहीं, व्हाट द हेल। तो एक बार फिर से गाइस मुझे अपनी, अबे बैठ जा मेरे भाई, एक बार फिर से गाइस मुझे अपनी ये तलवार लेके गांव के अंदर जाना पड़ेगा, शहर के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब गुफाओं के अंदर जाना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा, मुझे और आयरन चाहिए, बहुत सारा आयरन चाहिए। और ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, मुझे आयरन कॉड्रोल बनाना है, कैसे लिखते हैं उसको, इसके लिए मुझे आई थिंक अरे जस्ट अबाउट इनफ। तो लीजिए गाइस मेरा पूरा आर्मर, वो जो पूरा आयरन था सप्लाई से एकदम खत्म हो चुकी है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास डायमंड पिकैक्स वगैरह चीज़। अरे ओए ओ भाई, ओ तेरी हो क्या गया, अब तेरे को मैंने क्या कहा था यार, व्हाट द हेल, ये गांव के ये, ओ माय गॉड, देख एक बारी मार चुका, दूसरी बारी मारने को तेरे को कोई हक नहीं है, एक बारी मार चुका, एक बारी मार खा चुका हूं, हो भाई व्हाट द हेल, पागल हो गए तुम लोग भाई, क्या ये पागल हो चुका है गाइस, आई थिंक ये बंदा पागल हो चुका है, इसको मारना पड़ेगा भाई। ओ भाई हो क्या गया भाई, तुम भूल चुके हो, तुमको मैंने रेड से बचाया है, रेड से, ओ माय गॉड, पूरे यार गांव वाले हमारे खराब हो चुके थे, इसके अंदर मेरा कॉर्डर कहाँ पे, ओ माय गॉड बच गया, मुझे लगा मेरा कॉर्डर गया था यार, अरे भाई इसको यहाँ पे रख ले। तो गाइस आई थिंक इसको थोड़ा बहुत सबक सिखाते हैं, अभी मैं इसके पास जाऊँगा तो मुझे मारेगा कि नहीं मारेगा, चक्कर क्यों नहीं खा रहा, आई थिंक सोच रहा है कि इसको मारूँ कि ना मारूँ, आर ओन मेरा 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 चीकू कहाँ पे है, ओए भाई लेकिन चाहता क्या, हुआ क्या भाई, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, अरे समझाओ अपने भाई को यार, तू मारेगा, तू नहीं मारेगा, ये शरीफ बंदा है, ये भी शरीफ है, ये मार कुटाई पर आ चुका है, मारपीट पर आ चुका है भाई, चाहता क्या है, ओ माय गॉड, मैं इसके पास जाऊँ तो मारेगा नहीं मारेगा, आई डोंट नो, इसके पास जाते हैं, फिलहाल तो मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहा, लेकिन अभी इसने मेरे ऊपर हमला किया पता नहीं क्यों, और ये आई थिंक फंस चुका है, क्या हो चुका है गाइस, इसको मुझे मारना पड़ेगा, आई डोंट नो इसको कैसे मारूंगा, इसको मैं इसके अंदर गले के अंदर पट्टी डाल के क्या कर, ओ ये पत्थर बना रहा है, हाँ ओ माय गॉड, एन्चेंटेड सोर्ड शार्पनेस 2 नॉकबैक 120 एम्ब्रल्स की, अरे 10 अरे आई थिंक 10 की थी, इसने प्राइस बढ़ा दी, क्यों भाई क्यों प्राइस बढ़ा दी, हैं पीछे से माल नहीं आ रहा क्या है भाई मेरे, पीछे से माल नहीं आ रहा कि तूने अपनी प्राइस बढ़ा दी। तो चलिए गाइस आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है, दो जो जो काम मैंने करना था इस वीडियो के अंदर कर दिया, और ये बंदा भी एकदम से पागल हो चुका है, पता नहीं क्या चाहता है, आई डोंट नो व्हाट डज दिस गाय वांट, मुझे पता है कि उस पहाड़ के ऊपर जाना था, कुछ ना कुछ देखना था,
सीरियसली वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि इस पहाड़ की पर जाना, कुछ ना कुछ देखना, लेकिन आई डोंट थिंक कि कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे। सीरियसली मेरी आंखों का धोखा ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, सीरियसली कसम से कुछ भी नहीं था वहाँ पे यार। तो गाइस आई थिंक मैं भी एक गलत फहमी का शिकार हुआ। वो दिखाते हैं ना फिल्मों में, नाटकों में, कि यार रेगिस्तान के अंदर कोई जा रहा होता है और अचानक से दूर उसको पानी नजर आता है। ओह मेरा कम्युनिटी का घर देखो कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस ये है हमारा कम्युनिटी का हाउस, जिसके अंदर गेम के सारे चपरासी चीफ, मतलब सब कुछ, सारे बंदे यहाँ पे अलाउड है, सारे बंदे यहाँ पे आ सकते हैं, सारे बंदे यहाँ पे जा सकते हैं, सारे बंदे यहाँ पे अलाउड है। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे पहाड़ के ऊपर शायद मुझे लगा कोई ना कोई होगा, लेकिन कोई भी नहीं था, तो ये मेरी गलत फहमी थी। चुप कर ले भाई, देख मेरे मटन खाने के मूड में हूँ आज, मैं कह रहा हूँ लिपस्टिक देखो कैसे लगा के आई है, मैं मटन खाने के मूड में हूँ आज मैं। ओके हे कैसे हो एम, यार ये कौन है अब, हेलो अजी कैसे हो भाई, मेरे नीचे गिर जाओगे मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूँ नीचे गिर जाओगे। अरे ये है कौन भाई, ये लास्ट टाइम गाइस मुझे यही चीज नजर आई थी और मैंने, मुझे लगा कि ये क्रीपर होगा, लेकिन ये क्रीपर नहीं है। आप देख सकते गाइस बिल्कुल मेरे सामने पहाड़ के ऊपर खड़ा है और ये हिल भी नहीं रहा। ओ आई थिंक ही इज लुकिंग समवेयर, आई थिंक ये कहीं ना कहीं तो देख रहा है। ओ माय गॉड जा रहा है, ओ माय गॉड ये जा रहा है, ओ माय गॉड ये जा, ओ नीचे आ रहा है। नो ए भाई, अरे भाई कहाँ, रुक मैं भी आ रहा हूँ। ओह माय गॉड गाइस को देखना पड़ेगा, गाइस को देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज थी क्या। आई थिंक मुझे फाइनली पहाड़ के ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि ये है क्या। लास्ट टाइम गांव वाले सारे घर भाग जाओ, मैं कह रहा हूँ बहुत खतरनाक मुसीबत सी आने वाली है, सारे यहाँ से निकल जाओ, मैं गलती से निकल लो, मैं घंटी बजा के सबको अपने घर भेज देता हूँ। निकलो गाइस सारे अपने घर से बाहर निकलो। आई थिंक ये जो गोला मुझे मार रहा है तब भी, भाई 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 देख भाई अभी मुझे मारने वाला, ये गाइस आई थिंक मुझे मारने वाला है। ओह माय गॉड ये गोला एकदम पागल हो चुका है ब्रो। ओ भाई कैसे भाग रहा है मेरे पीछे, अबे इसको समझाता है कोई नहीं है, कोई इसको कोई समझाता क्यों नहीं है कोई। भाई हो क्या गया भाई, मुझे समझ में नहीं रही कि हो क्या गया, आखिरकार ये चाहता क्या है भाई। भाई देख मैं कह रहा हूँ बहुत परेशान होगा तो बहुत बहुत पछताएगा, मैं कह रहा हूँ। ओके इसको छोड़ दें गाइस, जो हमारी मे, ओए भाई मेरे, ओए कहीं ये भेस बदल के ऊपर से कहीं ये तो नहीं देख रहा था मेरे को। ये गाँव वाले हैं बहुत चालू, कहीं के बहुत ज़्यादा चालू कहीं के बंदे हैं गांव वाले भी यार। मुझे अपना ये नेचुरल चीज़ें तोड़ना बहुत गंदी लगती हैं और मैं नहीं तोड़ूंगा। गाइस मुझे किसी भी हालत में ऊपर जाना है, लेकिन मैं ऊपर चढ़ूँ तो कैसे चढ़ूँ, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा बहुत रास्ता बचा हुआ। तो गांव वालों के अंदर गाइस मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि गांव वाले मुझे मारपीट पर क्यों आ चुके हैं, और खासकर ये गोलंग हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आई डोंट नो अचानक से वेदर भी चेंज हो रहा है और ये गोलम भी मेरे को मार रहा है। हे भाई यहीं पे था वो। ओ माय गॉड, अरे ये तो वही क्रॉस है जो मुझे गुफा के अंदर मिला था। अरे भाई मैं तो खाना पीना भी साथ में लेके नहीं आया भाई, मेरे पास तो सिर्फ रॉटन फ्लैश है यार, मैं मर जाऊंगा। आई थिंक मैं गया कसम से। अरे ओ माय गॉड यहीं से वो देख रहा था गाइस, मैं वहाँ नीचे खड़ा था और ये यहाँ से देख रहा था और ये पागल, अबे इसको देख लो कहाँ पे खड़ा। अबे यार देसी कौवा मर जाएगा नीचे, घुस जा नीचे। माय गॉड पूरा गांव पागल हो चुका है यार। ओके तो गाइस ये दूसरा क्रॉस मेरे को मिला, आई थिंक मैंने फिर से हेरोप्राइन देखा। लास्ट टाइम तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन इस बार तो गाइस मैंने पक्का इसको देख ही लिया। ओके मैं सोच रहा हूँ कि इस क्रॉस को मैं तोड़ ही दूँ, लेकिन अगर मैं इस क्रॉस को तोड़ता हूँ तो पता नहीं क्या होगा। आई डोंट नो लीव नाउ। ओ माई गॉड एक बार फिर से मुझे मैसेज दे के रखा हुआ कि लीव नाउ। अरे भाई मैं कहाँ पर जाऊँ, ये मेरा ही गाँव है। अरे मैं लीव नाउ करके कहाँ पे जाऊंगा भाई। ओ माय गॉड तो चलिए गाइस आई थिंक मैं इस वीडियो में इतना काफ़ी है। तो आई थिंक हमने हेरोप्राइन देख लिया, लेकिन वो है कहाँ गया, कहीं पीछे छुपा है, कहीं गया कहाँ ये। अब इतनी जल्दी एक बंदा भाग नहीं सकता, ये सामने क्या दिख रहा है मेरे को, मुझे लगा कोई घर वगैरह बनाया था यहाँ पे किसी ने, लेकिन नहीं घर नहीं है। अब इतनी जल्दी कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, लेकिन वो गया तो गया कहाँ, और ये लीव नाउ साइन का ये छोड़ कर रखा है, और ये वही कॉबल स्टोन का वो घर बना के रखा है। आई थिंक ये मौसी कॉबल स्टोन है यार, ये मौसी कॉबल स्टोन है और इसके ऊपर ये रेड कलर के टॉर्चेस वगैरह ही बने हुए। तो चलिए गाइस इसको छोड़ते हैं और क्या हो क्या गया भाई, ये चाहते क्या हो तुम लोग, चाहते और मेरे गांव की तरफ जा रहा है। ए मेरी गांव की तरफ मत जाना भाई, मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो खाना पीने भी नहीं है भाई, मेरे पास तो अब मेरी गांव की तरफ जा रहा है यार। नो वे मेरी गांव की तरफ मत जा भाई। भाई अरे गांव वालों को तो छोड़ दे भाई, उन्होंने कुछ नहीं किया। ओह मेरी तलवार कहाँ पे, फटाफट से मैं तलवार निकालता हूँ, रात भी होने वाली, आई थिंक वेदर वगैरह भी यही चेंज कर रहा है, और ये बंदा मेरे, अबे निकलो गांव वालों घर भाग जाओ। वाच
अब उसको मारना गौलम कहीं के मेरे मेरे ऊपर हाथ साफ कर रहा, उसको तो कुछ कहता भी नहीं है, ये गौलम कहीं का गया कहां वो? आई थिंक इतनी ऊपर से कोई बंदा नीचे करेगा तो ऑब्वियसली उसकी हड्डियां फंसनी है तो टूटेंगे ही, लेकिन वो ये बंदा ये भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ओ भाई क्या चाहता है, क्यों? ये ले स्लैब, ले स्लैब उठा। ओके तो चलिए गाइस, आई थिंक इस वीडियो में इतना काफी है, मैं बहुत ही डर चुका हूँ और मुझे वीडियो यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।